Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. I am Manoj Thapliyal and today's topic is measure of central tendency. Before we understand the measures of central tendency, let us get acquainted with few statistical terms. Students, इससे पहले कि हम measures of central tendencies के बारे में जाने, इससे हमें कुछ statistical terms के बारे में भी idea होना चाहिए. जैसे कि data, बिल्कुल basic चीज है data. What is data? The facts or figure which are numerical or otherwise collected with a definite purpose are called data. Facts हों या figures हों, numericals में भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं, जो कि एक definite purpose के लिए collect किए जाते हैं उसी को data बोलते हैं. जैसे इन cricket में batting average, bowling average, और आजकल corona बहुत चल रहा है, corona deaths in the world, polling results, सारे के सारे ये data के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमें इस डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है, न्यूज़पेपर से मिलता है, मैगजीन से मिल सकते हैं, और तुम्हारा टीवी से मिल सकता है, और सोशल मीडिया एक कॉमन है आजकल. और स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह का डेटा होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा. फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा. व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ्स, देन द डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी. जब इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करता है तो उस तरह का डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है. और ये जो डेटा होता है, दिस प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट. और ये जो प्राइमरी डेटा होता है, ये बहुत रिलायबल और रेलेवेंट होता है. ये तो हो गया तुम्हारा प्राइमरी डेटा. दूसरा है सेकेंडरी डेटा. क्या होता है सेकेंडरी डेटा? व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर, देन data is called secondary data. ये secondary data में क्या होगा, direct investigator नहीं collect करेगा, वो कोई third person करेगा जो पहले से हमने data collect किया हुआ है. तो इस केस में जो data होगा ये ज्यादा reliable और relevant नहीं माना जाता है. तो ये आपने देखा कि data जो है दो तरह का होता है, एक primary data और दूसरा secondary data. अब चाहे वो डाटा तुम्हारा चाहे आपका डाटा हो, चाहे प्राइमरी डाटा हो, चाहे सेकेंडरी डाटा हो, इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. डाटा इसको हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव डाटा एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डेटा ये साफ जाहिर है, इट इज ए न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. हमेशा नंबर्स में रहेंगे. इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव डाटा में इट इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. ये नंबर्स में नहीं रहेंगे, ये क्वालिटीज पे बेस्ड होंगे, हेयर कलर, आई कलर वगैरह. तो ये जो आपका ये डाटा है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, ये अगेन क्लासिफाई किया जा सकता है दो हिस्सों में. एक क्वांटिटेटिव डाटा विच इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, नंबर्स होंगे इसमें, और क्वालिटेटिव डाटा ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होगा, जिसमें कि कलर्स हो गया, नेशनैलिटी हो गया, सेक्स हो गया, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव डाटा में होंगे. अगेन दिस क्वांटिटेटिव डेटा इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप डेटा. दिस अनग्रुप डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. एंड दिस ग्रुप डेटा इज अगेन divided into two parts. First is discrete frequency distribution,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो दूसरा है वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अनग्रुप डाटा, व्हाट इज ग्रुप डाटा। फर्स्ट लेट अस टेक दिस वन, पहला यही ले लेते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल सीरीज इन अनग्रुप डाटा द डाटा आर ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में डाटा मिलता है उसी को अनग्रुप डाटा बोलते हैं। इसमें लेट एक्स पी एनी वेरिएबल हैविंग एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन n numbers of observations such that x equal to x1 x2 up to xn। यहाँ n जो है पहले लिखा हुआ है कि n is the number of observations। एग्जाम्पल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन, एक्स इज द वेट इन केजी। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है 48, 51, 55, 60 और 70। तो ये सीरीज में लिखे हुए हैं, रॉ डाटा है, तो दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज ग्रुप डेटा। द डेटा कैन बी ग्रुप्ड इन टू वेज। जो सेकेंड टाइप ऑफ डेटा है ग्रुप डेटा, ये अगेन दो तरह से हम ग्रुप पूरे डेटा को हम ग्रुप कर सकते हैं ग्रुप वे में। ये सेकेंड टाइप ऑफ जो ग्रुप डेटा है ये अगेन दो तरह का होता है। पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? सपोज कीजिए हमें गिवन डाटा कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ वैल्यूज, एन नंबर ऑफ डिस्टिंक अलग अलग वैल्यूज है एक्स वन एक्स टू एक्स एन, और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं एफ वन एफ टू एफ एन। तब इस तरह से जो टेबलर फॉर्म में लिखा जाएगा x तो पूरी वेरिएबल की वैल्यूज हो गई x1 x2 अप टू xn और f इज देयर करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn। अगर x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है इसका मतलब x1 इज रिपीटेड f1 टाइम, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है तो x2 अकर्स f2 टाइम, और xn की फ्रीक्वेंसी fn है तो इट मींस xn अकर्स fn टाइम। If the data is given in this form, this is called discrete frequency distribution. Example, you can take it. Here, suppose weight in kilogram and number of students 50 kg, 52 kg, 57 kg, 60 kg, 50 kg, 2 54, 5, this is 6 and this is suppose 9। ये अगर डेटा इस तरह का दिया होगा, वेट दिया हुआ है उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो ये तुम्हारा कहलाएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप डेटा इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज दिस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द डाटा आर क्लासिफाइड इनटू different class intervals along with their corresponding frequencies। In a continuous frequency distribution में हम करते क्या हैं कि पूरे data को हम छोटे छोटे class intervals और उनकी corresponding frequencies में हम इसको divide करते हैं। तो इस तरह का जो data दिया होगा तो वो कहलाएगा continuous frequency distribution। Example है
जैसे नंबर, ये मार्क्स हैं, मार्क्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हैं 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। सपोज करो 0 से 10 के बीच में दो बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 के बीच में 5, 20 से 30 के 8, और 30 से 40 के बीच में एक ही बच्चे के मार्क्स आए। अगर डाटा इस तरह का दिया होगा तो इस दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द डेटा इज क्लासिफाइड इन टू क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो गिवन। तो इस तरह का जो डेटा होगा दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सारे मैथमेटिकल टूल्स में, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, आपको इन तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से गुजरना पड़ेगा। एक तो इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ टाइम्स an observation occurs is called frequency of that observation। क्या होगी फ्रीक्वेंसी? जितने बार वो ऑब्जर्वेशंस रिपीट करेगा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? ए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज मतलब विच वेरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन इन द सेम ग्रुप इज कॉल्ड वेरिएबल। वो क्वांटिटी या क्वालिटी पूरे ग्रुप में जो अपनी वैल्यूज को बदलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह में जिसकी वैल्यूज बदलती रहती है, उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे एग्जांपल ले लिया, वेट इन केजी ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट इन इंचेस ऑफ स्टूडेंट्स। क्या होगा? पूरी क्लास के बच्चों का वेट तो एक जैसा होगा नहीं। वो किसी का 50 होगा, 50 किलो, किसी का 50 kg, किसी का 52 kg, किसी का 60 kg, किसी का 70 kg। इसी तरह से हाइट भी हर बच्चे की किसी क्लास के अंदर एक जैसी होगी नहीं, वो वेरी करती रहेगी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। द वेरिएबल इज अगेन ऑफ टू टाइप, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। ये जो वेरिएबल होता है अक्सर दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। पहले तो डिस्क्रीट वेरिएबल, व्हाट इज दिस डिस्क्रीट वेरिएबल? द डिस्क्रीट वेरिएबल इज द वन वेयर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल डिफर फ्रॉम वन another by definite amount. It takes a certain value, it's like whole number. Example, number of children in a family, number of road accidents per week can be 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Or it cannot be
it cannot be 2.5 or 4.7. It's a whole number. This is a discrete variable. Now continuous variable. What is continuous variable? It can take any value within the range. It can take any value within the range. Within the range. Example, if I say the value of x lies between 3 and 5, there will be so many numbers between 3 and 5. So this is the example of continuous variable. Now we come to the main topic, that is measure of central tendency. What is the measure of central tendency? Kya hota hai measure of central tendency? Its definition is, the central tendency may be defined as the tendency of given set of observations to cluster around a central or middle value. This middle value, which represents the whole set of observations, is described as the measures of central tendency or average. You can call it average as well. देखिए जो central tendency है पूरे set of observations की वो क्या चीज है, वो एक middle value है जिसकी तरफ पूरी values cluster करती हैं, झुकाव जिसकी तरफ सारे values का झुकाव होता है, तो ये middle value तुम्हारी central tendency या measure of central tendency या average कहलाती है। एक इस चीज को measure of central tendency को समझने के लिए best example है center of gravity का। मुझे लगता है center of gravity आप लोग छठी सातवीं क्लासेस से पढ़ना शुरू करते हैं। What is the center of gravity? Best way to understand the measure of center tendency is to know about the center of gravity. What is center of gravity? Center of gravity. It is a point at which the whole weight of a body is supposed to be concentrated. क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का? वो पॉइंट होता है जहां पर उसका सारा का सारा भार जो है कॉन्सेंट्रेट करता है, जहां पर लगता है संपूर्ण भार, जहां पर लगता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इसी से समझा जा सकता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, दैट इज The center of gravity is the central of tendency of a body. Hope you understand in a better way the measure of central tendency. दूसरे example से ऐसा समझ सकते हैं, suppose करो हमारे पास चार numbers हैं. Consider four numbers, 10, 20, 30, 40. N is equal to इसमें हो गया number of observations, इसमें हो गए observations, ये हो गए 4. Number of observations are 4. तो कम से कम average तो आप लोगों को आता ही होगा. What is average? एवरेज क्या होता है? एवरेज इन सबको जोड़ दो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 4, 30 30 60 40 100, 100 बटे 4 बराबर 25, तो 25 तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज आ गया। इसको 25 समझो, इसकी टेंडेंसी ये होगी कि हर एक नंबर का झुकाव इसकी तरफ रहेगा, इस 25 की तरफ। So this 25 is going to be your average or central tendency. There are various measures of central tendency. First measure is mean. Second measure is median. Or third measure is mod. इसी mean को आप लोग माध्य लिख सकते हैं, माध्य बोलते हैं। Median को बोलते हैं माध्य का। और मॉड को बोलते हैं बहुलक। फिर से ये जो मीन है आपका, ये तीन तरह का होता है।
There are three type of means. First is arithmetic mean. Arithmetic mean, AM. Second is geometric mean. Geometric mean, GM. और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन HM. इस अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से हम डिनोट करते हैं. वी डिनोट दिस अर्थमेटिक मीन बाय एक्स बार, ज्योमेट्रिक मीन बाय जी, एंड हार्मोनिक मीन एज एच. नाउ वी टेक द फर्स्ट टाइप ऑफ मीन, दैट इज अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक mean. Arithmetic mean is the sum of observation, sum of observations divided by number of observations, number of observations. Arithmetic mean denoted by x bar is sum of observations divided by number of observations. Number of observations. Total number of observations you can call it. Now again, जैसे हम बताया था कि हर एक statistical tool को तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से गुजरना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज. अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा और इंडिविजुअल सीरीज, यू कैन कॉल इट इंडिविजुअल सीरीज. Let x1, x2 up to xn be the n observations such that x takes these values x1, x2 up to xn. N number of observations are, in this case, number of observations are n. In such type of distribution or such type of ungrouped data, arithmetic mean is x bar equal to sum of all observations x1, x2 up to xn divided by total number of observations. This whole series you can write it like this: summation I varies from 1 to n xi upon n. What does it mean? This is a sign for summation. Summation means total, add all these values from I equal to 1 to I equal to n. If I equal to 1, this becomes x1. If I is equal to 2, it becomes x2. If I equal to n, it becomes xn. You have to add all these values divided by total number of observations. This sign stands for summation. Summation, add. Let us take this example. The height of 5 players are given. Here x is taken height. This is, heights are given in centimeters. 153, 140, 148, 150, 154. And find arithmetic mean. इस केस में ये x हमने वेरिएबल ले लिया, वो हाइट था. हमने कहा था वेरिएबल क्या होता है, जो अपनी वैल्यूज को बदलता रहता है. कभी 153 है, किसी का 140 है, किसी को 148 है. ये वेरिएबल है हाइट. ये सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन. यू हैव टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन. इसके लिए बेटर यही है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का पता किया जाए, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 5, 1, 2, 3, 4, 5. और नाउ अर्थमेटिक मीन solution
arithmetic mean, its formula was summation. Here I will vary from 1 to 5 since number of players are 5. Xi upon n. So this will be 153 plus 140 plus 148 plus 150 plus 154 upon 5. This is 745 upon 5, which comes out to be 149 centimeter. 149 centimeter is the average height of the 5 players. So this is the arithmetic mean for ungrouped data. Now we come to the second type of data, that is discrete. Now we take the second one, arithmetic mean for discrete frequency distribution. Kya hota hai frequency, discrete frequency distribution? If x is a variable, jiski ye values hain x1, x2 up to xn, and f is the frequency, their corresponding frequencies f1, f2 up to this is fn. x1 ki frequency f1, iska matlab ye ho gaya students ki this x1 has been repeated f1 time. Ye x1 jo hai pure group mein f1 bar repeat ho gaya. xn ki frequency मैं कहूँ fn है, तो इसका मतलब ये जो x1 है ये पूरे ग्रुप में fn बार रिपीट हो गया. तो इस केस में जो अर्थमेटिक मीन है, इन दिस केस द अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्री मेथड्स. अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्री मेथड. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. अर्थमेटिक मीन इक्वल टू f1 x1 plus f2 x2 up to fn xn upon sum of the frequencies f1 f2 up to fn. This series can be written as, this is x bar, arithmetic mean. You can write it like this, summation I varies from 1 to n, ek se leke n tak ja raha hai, aur fi into xi upon समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ आई. इसका मतलब ये हो गया कि f की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, यू हैव टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज. वैल्यूज ऑफ f इज टेंडिंग फ्रॉम 1 टू n एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ n, i इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n. हियर दिस समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ आई कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल N. The x bar in this case will be summation I varies from 1 to n fi into xi upon capital N. Here this capital N will be total frequency. This is your direct method. And the second method is assumed mean method. If the product fi into xi is very large, then we apply assumed mean method. In this case arithmetic mean x bar will be a plus sigma I varies from 1 to n fi into di upon n, where this a is the assumed mean taken from value of x. This d is the deviation x minus a, and this n is total frequency. Now the third method is step deviation method. Here arithmetic mean x bar is
a plus sigma f into u upon n into h. Into h. A is the adjunct mean. N is the total frequency. U is d by h. What is this d? D is the deviation. X minus a. H is the class width. Class width. It is generally used when on this x here, this where this x is mid value of class. Say if class is 10 to 20, here x will be mid value, 10 plus 2 upon 2, 30 upon 2 will be 15. This method is applied when values of fi, xi are very large and values of xi are equally spaced. So there are three methods to find arithmetic mean. First is direct, second is assumed mean method, and the last one is step deviation method. When we apply this method, we have just discussed. Now student, discrete frequency distribution पे based ये question है. Find the mean height of the plants from the following data. ये height दे रखी है plants की centimeter में 60, 64, 68, 70 to 76. ये number of plants हैं 5, 16, 40, 39. सबसे पहले first of all you have to form this table. ये table बनाने को लेके ये height in centimeter की variable ले लिया x और number of plants को frequency. ये हाइट ले ली 60, 64, 68, 70, 76. ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी हैं 5, 16, 40, 39. और इसके बेसिस पे हमें मीन निकालना है. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसमें कि तीनों तरह के से, चाहे वो डायरेक्ट मेथड है, चाहे वो अज्यूम्ड मीन मेथड है, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड है, वी विल कैलकुलेट मीन फ्रॉम ऑल दीज मेथड्स एंड यू विल सी कि द आंसर विल रिमेन सेम. Now we take the first one. First is direct method. Direct method. Arithmetic mean was x bar equal to summation f into x upon n. यहाँ देखिए ये वैल्यूज x की थी, ये f की थी. Next column is for f into x. 60 into 5, 300 and so on. Last 76 into 9, 784. You add all these fx values, so you will get summation fx, total value of fx. This is 6888. So here summation fx is 6888 upon n. N means total number of frequencies. So here this is 68.88. सेंटीमीटर. ये मीन हाइट है प्लांट्स की बाय डायरेक्ट मेथड. नाउ वी कैलकुलेट द मीन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन मेथड. अज्यूम्ड मीन मेथड. अज्यूम्ड मीन मेथड. इन अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं मीन को. तो इसमें अर्थमेटिक में निकालने का क्या फॉर्मूला था? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा f into d upon n. A was assumed mean. Assumed mean. ये assumed mean इस केस में हम x की वैल्यूज में से किसी को भी ले लेते हैं. ये x की वैल्यू चाहे कोई भी वैल्यू तुम assumed मान सकते हो इसमें. इसमें you can take any value as an assumed mean. That can be 72, 76, 60 or 65. और ये भी तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है. इन वैल्यूज के बाहर भी तुम अज्यूम मान सकते हो, लेकिन जनरली अधिकतर लोग ये मिडिल वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं. तो मैंने भी वही काम किया जो आज तक होता है.
कि जो बीच की वैल्यू है 68, I have taken it as assumed mean A. A is taken 68. तो यहाँ A ले लिया 68. F into D. D क्या चीज है? D is the deviation from assumed mean of variable X. X minus A, यानी X के हर एक वैल्यू में से assumed mean था 68, वो 68 को subtract करते चले गए, 60 minus 68 minus 8, 64 minus 68, this is minus 4, 68 minus 68 is 0, 72 minus 68, this is 4, और it is 8. तो ये हो गया आपके D values हो गई. अब ये U, अब मुझे फिलहाल तो यही करेंगे कि F into D, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में F into D चाहिए. F को जो फ्रीक्वेंसी था D से मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 8 माइनस 40, 16 इंटू माइनस 1 माइनस 64, 40 इंटू 0, 0 एंड सो ऑन, एंड एड ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एफ डी, यू विल गेट समेशन एफ डी, दिस इज 68. तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन जो होगा दैट विल बी 68, ए 68 प्लस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी वॉज summation fd was 88 upon n, n was 100, तो ये हो गया 68 plus 0.88, तो ये अगेन जो तुम्हारा arithmetic mean है वो 68.88 centimeter ही आया, चाहे मैंने assumed mean method लगाया, direct method से भी वही था. Now we come to the third one, that is by step deviation method. Step deviation method. Step deviation method, the formula is arithmetic mean x bar equal to summation a plus, sorry, x bar equal to a plus sigma f into u upon n into h. अब ए फिर अगेन वही कहानी शुरू हो गई, ए तुम्हारा assumed mean, वही x की मिडिल वैल्यूज में से एक मैंने सेलेक्ट कर दिया वो 68, और u, what is u here, u is d upon h, d is the deviation and h means difference between two corresponding consecutive numbers, 60, 64, 68, 72, 76, टू कंजुगेटिव बीच का जो डिफरेंस है वो चार 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 नजर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर इज 4, this is your h, so u is d upon h, minus 8 upon h is 4, minus 8 upon 4, this is minus 2, this is minus 1, 0, 1, 2, this is u. Next you have to find f u, multiply this f by u, so you will get 5 into minus 2, this is minus 10, 16 into minus 1, this is minus 16, 40 into 0, this is 0, 30 into 1, 30 is 9 into 2, 18. Add all these values of fu, you will get summation fu, that is 22. So now put all these values over here, you will get arithmetic mean A. A is again that 68 plus 22 upon n. This is again 100, h was 4. Phir se wahi kahani, 68, ye 88 upon 100, this is 68 plus 0.88, again 68.88 centimeter is your arithmetic mean again by step deviation method. तो ये तो it's quite clear whether you apply direct method, assumed mean method or step deviation method, answer is the same. Students, चाहे आप तीन में से कोई भी method apply करो, आपका answer जो है arithmetic mean का वो same आना चाहिए. That is very important. और ये हमने पहले बता दिया था कि स्टेप डेविएशन कहाँ लगाते हैं, अज्यूम्ड मीन कहाँ लगाते हैं. अज्यूम्ड मीन में अगर ये एफ और एक्स की वैल्यू लार्ज हो तब लगाते हैं, स्टेप डेविएशन में जो ये एक्स की वैल्यूज हैं ये अगर इक्वली स्पेस हैं, जैसे यहाँ हर एक दो नंबर के बीच का वैल्यू चार आ रहा था, तब वी कैन डायरेक्टली अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड एंड व्हेन एफ एंड एक्स आर वेरी लार्ज. Now we come to the third. Now student, we take arithmetic mean for continuous frequency distribution. Arithmetic mean for continuous frequency distribution. Here again,
There are three methods. First is direct method. Direct method. In direct method, arithmetic mean x bar is summation f into x upon n. फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने डिस्क्रीट में लगाया. अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, वेयर ये एक्स थोड़ा सा स्लाइड चेंज, देयर विल बी स्लाइड चेंज इन एक्स, वेयर एक्स विल बी द मिड वैल्यू, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास. जैसे कहा था कि अगर क्लास तुम्हारी 20 से 30 है, इसमें एक्स जो होगा मिड वैल्यू, 20 प्लस 30 अपॉन 2, 50 अपॉन 2, दिस इज योर 25. हियर द एक्स विल बी द मिड पॉइंट ऑफ क्लास, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस. और एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द सेम. सेकंड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज ए प्लस sigma f into d upon n. Everything is same. A is assumed mean. D is deviation. Deviation. Or third is by step deviation method. Step deviation method. Arithmetic mean x bar is a plus sigma fu upon n into h. Everything is already discussed. What is u, what is a, what is n. A is assumed mean, u is d upon h, d is your x minus a deviation, h is class width. N is total frequency. Now the example based on the continuous distribution is, the table given below gives the percentage distribution of female teacher in a primary school of rural area of various states and union territory of India. Find the mean percentage of female teachers. Mean निकालना है female teachers का. ये table है percentage of female teachers. ये class interval समझ लीजिए 15 से 25. क्लास इंटरवल इज 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55 एंड अप टू 75 टू 85. ये तो होगी क्लास, दिस इज द क्लास. एंड द नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1. तो क्लास इंटरवल, ये तो क्लास इंटरवल हो गया. नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, इट विल बी योर फ्रीक्वेंसी. एंड अरिथमेटिक मीन by the direct method, the formula is x bar equal to summation fx upon n. यहाँ जो ये x है, here this x you will have to calculate. What is this x in continuous data? What is x? X is midpoint of the class. Just add these two number, 15 plus 25, this is 40, divided by 2. Mid means divided by 2, this is 20. Add 25 plus 35, 60 divided by 2, this is 30. 35 plus 45 divided by 2, this is 40. Like this, you can calculate value of x for each class. This is x. Now, then form the next column for f into x. F is this, 6 into 20, 120, 11 into 30, 330, like this. Up to, you can go 1 into 80, 80. And add all these values of fx, you will get summation fx. This is 1390, and total value of frequency, total frequency, this is capital N, this is 35 here. The arithmetic mean x bar will be summation fx upon n. Summation fx is 1390 upon 35, which is 39.71. This is by direct method. Now we can calculate the arithmetic mean by assumed mean method, second method. By assumed mean method, this is arithmetic mean
x bar is a plus sigma f into d upon n. एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको ए निकालना होता है. ए इज द एज्यूम्ड मीन. एक्स इज गिवन. दिस एज्यूम्ड मीन यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस वैल्यूज ऑफ एक्स. अगेन यू हैव टू टेक एज्यूम्ड मीन एज द मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स. मिडिल व्हाट एवर इज द मिडिल वैल्यू हियर 50 लाइज इन मिडिल. आई हैव टेकन एज एज्यूम्ड मीन. तो दिस 50 विल बी एज्यूम्ड मीन. दिस नेक्स्ट कॉलम विल बी डी इक्वल टू एक्स माइनस ए. एक्स माइनस 50. 20 minus 50 minus 30, 30 minus 50, this is minus 20, and up to 80 minus 50, 80 minus 50, this is 30, this is d. Then you can calculate f into d, this is fd, minus 30 into 6 minus 180, minus 20 into 11, this is minus 220, and up to 1 into 30, this is 30, and add all these values of FD, you will get summation FD, this is minus 360. So here, x bar will be assumed mean is 50, this is minus 360 and was 100. So this is 3, n was 35, this is 50 minus 360 upon 35, this is 10.29. This is again 39.71. And now the third method, by step deviation method, by step deviation method, x bar was a plus sigma fu upon n into h. स्टेप डेविएशन मेथड में भी अज्यूम्ड मीन की जरूरत पड़ेगी. अज्यूम्ड मीन भी वही x सीरीज से ले सकते हैं. जो बीच की वैल्यू होगी वही हम अज्यूम्ड मीन लेंगे. यहाँ 50, 50 अगेन इज टेकन एज अज्यूम्ड मीन. तो नेक्स्ट d इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. u इज d by h. h इज क्लास विड्थ. क्लास विड्थ हियर क्लास विड्थ इज 15 to 25, 25 to 35, this is 10. The u is d by h. The d is the deviation, x minus a. This d is x minus a, and u is d by h. Means you have to divide d by h. Is gap between class is 10, 10, 10, 10. The h will be 10. The u is d by h, minus 30 upon 10. This is minus 3, minus 20 upon 10, minus 2, up to 30. Upon 10, this is 3. The next and the last column will be for f into u. This is your f. This is f into u. Fu is minus 3 into 6, minus 18, minus 2 into 11, this is minus 20, up to 2 into 2, this is 4. Add all these values of fu, you will get minus 36. Put all these values over here. X bar will be a. This is again 50 plus sigma fu is minus 36 upon n is 35 into h is again 30. So this is 50 minus 360 upon 35. This is 50 minus 10.29. The x bar arithmetic mean is again 39.71. This quite obvious. Whether you apply direct method, assumed mean method, or step deviation method, the arithmetic mean for this question will remain same. Now with this, the lecture is over. And students, if you have found this video interesting and helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you. Thank you very much for watching this video.